नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। लालकुआं हल्द्वानी के बीच बन रहे हाईवे पर अकेले ही धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत, हाईवे में जगह जगह पड़े गड्ढों को लेकर जताए नाराजगी। लक्सर क्षेत्र के दापकी कला गांव निवासी दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया अपना नाम। 4000 किलोमीटर की नॉनस्टॉप रेस मात्र 76 घंटे में की पूरी। दिग्विजय के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। उत्तरकाशी के नाम एक और उपलब्धि, माउंट एवरेस्ट पर उत्तरकाशी के परवीन राणा ने लहराया तिरंगा। कांग्रेस नेता एचआर बहुणा ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा असहाय लोगों को वितरित की गई बकरियां, बकरियों के माध्यम से परिवार की आजीविका को बढ़ाना है मकसद। सर, अभी तो हम दे रहे हैं 37 को, जो कि एक बकरा एक बकरी 37 परिवार है, जो कि हम एक बकरा एक बकरी दे रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालीपुर में छात्र सांसद के गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। विद्यालय में 15 विभागों के लिए 30 छात्र छात्राओं को पद दिए गए। तो बच्चों को एक जिम्मेदारी दी गई है, अपने छोटे भाई बहन या अपने साथी, उन सबको वो किस तरह से डील करते हैं, इस बात को देखने का काम आचार्य प्रधानाचार्य के उसमें चलेगा संरक्षण में, तो उनसे बच्चों को थोड़ा ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कारोबारियों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दे हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियां बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकाना के ताले लगा के चाबियां नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। कहीं नहीं है, कहीं भी कोई पार्किंग शुल्क नहीं दिया जाता। किसी भी स्टेट में कोई बता दे कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर गाड़ियों से सारा व्यवसाय है, ना कि व्यवसाय से गाड़ियां हैं। गाड़ियां अगर नहीं आएंगी यहां पे, क्या है कि 100 रुपए पीछे गाड़ी आना बंद हो जाएगी, मिस्त्री पैदल हो जाएंगे, कई लोगों को प्रभाव पड़ेगा। पर अब बात करते हैं खास खबरों की, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर देश के तमाम हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, तो वही चमोली में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और श्रद्धालु बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को गौचर और कर्णप्रयाग के बीच आवाजाही करना दुर्भर हो गया है और इसकी वजह है नगर पालिका कर्णप्रयाग की लापरवाही। दरअसल यहां जो कूड़ा डंपिंग जोन में डाला जा रहा है वह सीधा अलकनंदा नदी में गिर रहा है, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो भी वायरल हो रही है। वहीं एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, लेकिन नगर पालिका कर्णप्रयाग इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लगातार गर्मी पड़ने के चलते डंपिंग जोन से बदबू आने लगी है और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए चमोली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास की कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने पिथौरागढ़ के लिए 113 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने ओम पर्वत छोटा कैलाश क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन ई पोर्टल का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने पंडित नैन सिंह रावत के परिजनों को भी सम्मानित किया। राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमियों पर भूमाफियों की बढ़ती संलिप्तता पर अब जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। उनसे जमीन तो खाली करा ही जाएगी, साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी
और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं, उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पर कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं, और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है। बिंदुखता स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी राजीव नगर में प्रिंसिपल ने कक्षा 2 के छात्र को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उप शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा दिया। पश्चिमी राजीव नगर में आया था, यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो अभिभावक वहां पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया, और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है। क्षेत्र में सत्ताधारी राजनीतिक संरक्षण में हो रहे अवैध खनन और लाखों घन मीटर अवैध खनन के भंडारण पर जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर कांग्रेसी विधायक तिलक राज बेहर सैकड़ों समर्थकों के साथ SDM कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे। इस दौरान विधायक तिलक राज बेहर ने जिला एवं स्थानीय प्रशासन पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। इच्छा और आसपास के क्षेत्र, शांतिपुरी हो, कुलवट्टा हो या अन्य क्षेत्र हो, अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। अवैध खनन के साथ साथ लोगों ने बिना उसके भी लोगों ने अवैध खनन इकट्ठा कर रखा है, और खनन माफिया इसके अंदर लिप्त हैं। इसके अंदर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक लोग इसके अंदर संरक्षण प्राप्त लोग हैं। मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन इस दौरान भारी भीड़ धामों के दर्शनों के लिए उमड़ रही है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चार धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों धामों में यात्रियों का आंकड़ा 10 लाख पार पहुंच गया है। 3 मई से 25 मई के बीच कुल 10 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में 3.35 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 3.33 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 1.49 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो अभी तक हेमकुंड साहिब में 7,338 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बीते 2 दिनों से मौसम ने केदारनाथ यात्रा में खलल डाला। हालांकि दोनों दिन सुबह सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 10 बजे के बाद सोनप्रयाग से यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। बुधवार को केदारनाथ धाम से लेकर गौरीकुंड सोनप्रयाग तक मौसम पूरी तरह खुला रहा और यात्रा भी संचालित रही, लेकिन इस दौरान यात्रा में काफी अव्यवस्था देखने को मिली। लोग दर्शन के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं, और अव्यवस्था इतनी कि बैठने तक का इंतजाम नहीं। जरा आप भी देखिए इन तस्वीरों में अव्यवस्थाओं का हाल। वह चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक पंजीकरण फुल हो गया है। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण बंद कर दिया है। इस बीच यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से यात्रियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ में बुधवार को भी 4 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब तक पिछले 20 दिन में 38 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में भी 3 तीर्थयात्री की मौत हो गई। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन व्यवस्थाओं का इंतजाम करे, साथ ही यात्री भी एहतियात बरते ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित ढंग से पूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।